हेलो गाइस, मेरा नाम है प्रियांशु सार, आप देख रहे हैं साउज इन्फॉर्मेशन। देंगे थोड़ी सी नई थोड़ी सी पुरानी इन्फॉर्मेशन, लेट्स बिगिन। तो आप लोगों ने साउथ के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की पुष्पा मूवी तो देखी होगी, जो पिछले साल दिसंबर में लास्ट में रिलीज हुई, मतलब काफी दिन की नहीं, पिछले साल की बात है। तो इस मूवी ने आते ही धमाल मचा दिया। लोग इसके गाने ही नहीं बल्कि डायलॉग से लेकर एक्शन बतौर ट्रेंड की तरह कॉपी कर रहे हैं। तो आप लोग ये सोच रहे होंगे मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, ये तो सबको पता है, लेकिन जो नॉर्मल लोग होते हैं वो या तो ये कॉपी करते हैं या फिर ये कॉपी करते हैं, लेकिन जो तेजस्वी लोग होते हैं वो ये कॉपी करते हैं। तो पुष्पा मूवी से ही प्रेरित होकर बैंगलोर के यासीन इनायतुल्ला नाम के व्यक्ति ने 2,45,00,000 रुपए की चंदन की लकड़ियों की तस्करी करने की कोशिश की है, लेकिन बेचारे की फूटी किस्मत पकड़ा गया, क्योंकि सभी किस्मत हमारे अल्लू अर्जुन की तरह होती नहीं। तो पता है इन भाई साहब ने किया क्या, इन्होंने क्या किया, अपने ट्रक में चंदन की लकड़ी लोड की और उसके ऊपर फल सब्जियों के डब्बे रख दिया और COVID-19 आवश्यक उत्पादक का स्टिकर भी चिपकाया, और फिर ये भाई साहब निकल चुके अपने पुष्पा वाला जिगर लेकर अपनी चंदन की लकड़ी की तस्करी करने। इन्होंने इस फॉर्मूले के साथ आंध्र सीमा पार भी कर ली, लेकिन जैसे ही ये महाराष्ट्र में घुसे सांगली जिले के मिराज नगर के गांधी चौक में इन्हें पकड़ लिया गया। तो पुलिस ने 10,00,000 रुपए के ट्रक के साथ 2,45,00,000 रुपए की चंदन की लकड़ियां बरामद की, और फिर तो आप लोग समझ ही गए होंगे पुलिस क्या करती है। बाद में सांगली के पुलिस अधीक्षक दीक्षित गिदाम ने बताया कि कॉन्फिडेंसली इन्फॉर्मेशन मिली थी कि चंदन की लकड़ी की तस्करी आंध्र कर्नाटक के आंध्र सीमा से महाराष्ट्र के अंदर होने वाली, लेकिन आप लोग को एक बात माननी पड़ेगी, भाई साहब ने पुष्पा जिगरे के साथ कर्नाटक की सीमा पार कर ली थी लेकिन महाराष्ट्र पुलिस ने उन्हें दबोच लिया। तो गाइस आज के लिए फिलहाल इतना ही, वीडियो कैसे लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ, वीडियो को ज़्यादा लाइक कर देना, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।